फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पीआर के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। कनाडा पीआर के बारे में, कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से प्रवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उनके लिए फैसिलिटी दी जा रही है और उनकी हर कोई ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा नए कदम उठाए जा रहे हैं। अब कनाडा से की तरफ से नए आंकड़े सामने आए हैं जो कि सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। कनाडा के इमिग्रेशन विभाग की तरफ से जनवरी 2021 में कनाडा में जो नए परमानेंट रेजिडेंट का स्वागत किया गया है उनका आंकड़ा जारी किया गया है। कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से जारी किए गए ये जो आंकड़े हैं उनके अनुसार जनवरी महीने के दौरान 24,665 परमानेंट रेजिडेंट का स्वागत किया गया है। ये जारी किए गए आंकड़े इसलिए भी खास हैं क्योंकि ये गिनती फरवरी 2020 के बाद पहली बार ज़्यादा बढ़ी है, जो कि कोरोना वायरस के कारण शुरुआती दिनों में बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। कोरोना महामारी से पहले कनाडा की तरफ से हर महीने 25,000 से लेकर 30,000 के दरमियान नए प्रवासियों का स्वागत किया जाता था और कोरोना वायरस के कारण कनाडा में आने वाले नए प्रवासियों की गिनती पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा था। कनाडा आने वाले नए प्रवासियों की जो गिनती है वो 2020 में सिर्फ 1,84,370 ही रह गई थी, जबकि कनाडा इमिग्रेशन ने साल 2020 के लिए जो टीचा रखा था वो था 3,41,000 नवे प्रवासियों को कनाडा बुलाने का, जो कि पूरा नहीं हो सका था। और दूसरी ओर कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री की तरफ से साल 2021 के लिए ये ऐलान किया गया है कि कनाडा 2021 में 4,00,000 से ज़्यादा प्रवासियों का स्वागत करेगा। और अब जनवरी 2021 में नए आंकड़े सामने आए हैं, ये आंकड़े भी कनाडा सरकार ने जो टीचा रखा है उनको पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा सहायक होंगे और आने वाले टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को वहाँ बुलाया जाएगा। तो ये सारी जो खुशी की बात है, इतने लोगों को वहाँ पर पीआर के लिए इन्विटेशन दिया गया है और लोग वहाँ पर सेटल हो रहे हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cic.gc.ca पे जाके से सारी जानकारी ले सकते हैं और वहां जाकर आपको सारी अपडेशन मिल जाएगी। और अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे पीछे दिए नंबर 9815101148 पे कॉन्टैक्ट करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये सारी जानकारी सब तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।